सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन प्रलय आएगा और धरती तबाह हो जाएगी। XCHM डिजिटल में आपका स्वागत है। एलोन मस्क का कहना है कि सूरज के आकार में बढ़ोतरी होने की वजह से धरती के सभी जीवों के खत्म होने का खतरा बढ़ रहा है। दुनिया में हजारों प्रजाति के जीव जंतु और पेड़ पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं और जो बचे हैं उनकी आबादी तेजी से कम होते जा रहे हैं और तो और इंसान भी इस खतरे से बचा नहीं है। एलोन मस्क ने चेतावनी दी है कि दुनिया में गिरती बर्थ रेट एक बहुत बड़ा ग्लोबल खतरा है। मस्क ने कहा, अगले 20 सालों में घटती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या होगी। पिछली शताब्दियों में ज्यादातर देशों में जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई है और मानव आबादी तेजी से बढ़ी, लेकिन अब जन्म दर बढ़ने की रफ्तार सुस्त हो चली है, बल्कि कुछ देशों में ये घट भी रही है। सबसे बड़ा उदाहरण है जापान। % की जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। जब साल 2021 में जनसंख्या की तुलना 2020 से हुई, पिछले साल जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में सिर्फ 8,11,604 बच्चों का जन्म हुआ है, जो अब तक के रिकॉर्ड में सबसे निचला स्तर है। ये देश के 123 सालों के इतिहास में सबसे कम बर्थ रेट दर्ज की गई है। वैसे ही अगर चीन की बात करें तो चीन में अब 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। आने वाले 20 सालों में ये संख्या चीन के लिए बड़ी मुसीबत लेके आएगी, क्योंकि जनसंख्या कुल मिलाकर घट रही है। एलोन मस्क ने इसे आने वाले समय की बड़ी समस्या बताई है। कभी भी कोई एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है, जिसकी वजह से धरती पर मानव सभ्यता का विनाश हो सकता है। इसके अलावा सूरज का आकार लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते धरती पर इंसानों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। सूरज का आकार बढ़ने का मतलब है पूरे सौर्यमंडल का सिस्टम गड़बड़ा जाना, और इन परेशानियों से बचने का एक ही रास्ता है और वो है दूसरे ग्रहों पर भी अपना बसेरा बनाना होगा। हमें केवल अपने सौर्यमंडल और गैलेक्सी ही नहीं, बल्कि दूसरे सौर्यमंडल और दूसरे गैलेक्सी तक अपनी पहुंच बनानी होगी। एलोन मस्क ने सबसे पहला टारगेट मार्स को बनाया है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आप सुबह उठते हैं और आप सोचते हैं कि आप क्यों जीना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, ये सब उनके लिए डिप्रेसिंग था। वो सोचते थे कि कैसे इंसान मार्स और दूसरे ग्रहों पर जाकर बस सकता है। हम स्पेस साइंस में और क्या तरक्की कर सकते हैं। एलोन मस्क का कहना है कि जैसे इजिप्ट वालों ने 5000 साल पहले पिरामिड बनाया पर उसके बाद तकनीक भूल गए, ऐसा ही स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ है। स्पेस टेक्नोलॉजी अपने आप आगे नहीं बढ़ेगी, हजारों लोग मेहनत करेंगे, तकनीक में नया आयाम स्थापित करेंगे, रिस्क लेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। उनके अनुसार अगर मंगल का तापमान थोड़ा गर्म हो जाए तो इंसान के रहने लायक वातावरण बन सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल के तापमान की परिवर्तन के लिए 10,000 परमाणु बॉम्ब गिराने होंगे, जिसके लिए एडवांस्ड मिसाइल्स की जरूरत होगी। ये काम आसान नहीं होगा, पर नामुमकिन भी नहीं होगा। सन 2050 तक एलोन मस्क मार्स पर कॉलोनी बनाने की शुरुआत कर देंगे और उन्होंने एक रीयूजेबल रॉकेट बना भी लिया है,
जो आसानी से लोगों को मंगल तक लेकर जाएगा और वहां से वापस भी लेकर आएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।